लेडीज एंड जेंटमैन क्रिएटिविटी की बात हो गई इनोवेशन की बात हो गई फिर हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन के ऊपर बात की आपने आंटरप्रन्योरियल डेवलपमेंट को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में देखना शुरू किया हमने कॉस्ट के ऊपर भी बात की हमने एवरेज मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर बात की हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हमने ये देखा कि आंटरप्रन्योरियल डेवलपमेंट का अल्टीमेट मकसद जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड की सूरत बनेगी मैं इसको फिर भी प्रॉफिट नहीं कहना चाह रहा यानी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आप लफ्ज़ बोलते हैं और उसमें आप प्रॉफिट का लफ्ज़ बोलते हैं लेकिन मैं इसको डिफरेंट करने के लिए रिवॉर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा और यहां पे मैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन के फर्क को आपको एंड तक समझाने की कोशिश जरूर करूंगा इनोवेशन आपके सिस्टम प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के चेंज को भी कहा जा सकता है मेरा ऐसा क्रिएटिविटी जो है वो मैंने बार बार आज की एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी फिर वो एग्जिस्ट करने लग गई यानी प्री एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस तक का जो फर्क है या रास्ता है उसमें आप ये देखें था यानी पहले कुछ नहीं था अब वजूद है अब कुछ है यानी इसका एक रास्ता है अच्छा अब हम यहां पर चलते हैं कि रिवॉर्ड इनोवेशन के ऊपर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मुख्तलिफ डिजाइन के अंदर तब्दील होती रही कैपिटलिस्टिक मॉडल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले और इंडस्ट्री जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद गई है तो प्रॉफिट मार्जिनलाइजेशन की तरफ गई मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इज द बिगेस्ट यानी बिगेस्ट वेव ऑफ दैट टाइम यानी हर कोई बिजनेस मोटिव प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता था और आज भी मुझे ये लगता है कि जहाँ एंट्रप्रनोरियल मार्केट है वहां पे भी असल में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनोवेटर एक होता है क्रिएटर एक होता है क्रिएटिव डिजाइन एक होता है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपने मामला पूरे करने के लिए उस स्ट्रक्चर को जो है वो फॉर्म डिफरेंट कर लेती है अच्छा जब स्ट्रक्चर का फॉर्म चेंज होता है इसको हम फ्लेक्सिबल मॉडल या फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल मॉडल भी कह सकते हैं और इसको कॉपरेटिव या कॉपरेटिव लिटिक भी कहते हैं कॉपरेटिव लिटिक को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसलिए आई है कि रिवॉर्ड्स के सिस्टम को जांचा जाए समझा जाए और संभाला जाए कि किन लोगों को रिवॉर्ड्स चाहिए और किस किन लोगों को प्रॉफिट चाहिए और किन लोगों को सिर्फ अर्निंग्स चाहिए और किन लोगों को आप आपने जितना काम किया उतना पैसा दिया एक बात याद रखें रिवॉर्ड्स लो, वो लोग लेते हैं जिनके अंदर पेशेंस और बेरिंग कैपेसिटी होती है जिनके अंदर बेरिंग कैपेसिटी नहीं होती वो रिवॉर्ड्स नहीं ले सकते और दूसरी टाइप के लोग जो हैं वो सिर्फ जो बिजनेस ओरिएंटेड और प्रॉफिट मोटिव वाले लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझ आती है और उससे डबल का दुगना का प्रॉफिट समझ आता है दैट इज द डिफरेंट काइंड तीसरी टाइप जो है वो अर्नर्स की है उन्होंने अपना टाइम दिया उतना ही पैसा लिया और इसके बाद उनका कोई एग्जिस्टेंस उस और या एफिलिएशन या रिलेशन या उस बिजनेस के साथ कोई अपना ताल्लुक या या स्पिरिचुअल या आपका या कल भी या जहनी या रूहानी कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं होता तो अब यार यहाँ पर जो आपको बात समझाई वो रिवॉर्ड किया रिवॉर्ड सिर्फ उसको मिलेगा जिसके अंदर बेरिंग कैपेसिटी है जिसके अंदर है, जिसके अंदर अंदर पेशेंस है, है। कंसिस्टेंसी यहां पर रिसर्चर्स एग्जामिन करते हैं। मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से यहां थोड़ी चीजों को क्लियर करना चाहूंगा रिवॉर्ड क्रिएटिविटी रिलेशनशिप ड्रामेटिकली पोस्ट

अब देखें लर्न इन इंडस्ट्रीज थ्योरी LIT इज लिंक्ड टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड ऑन क्रिएटिविटी सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी STD सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी इज लिंक्ड टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड ऑन क्रिएटिविटी यही मैंने अर्ज की सेल्फ डिटरमिनेशन को आप डायरेक्टली ले जाइए ये जरा समझने की बात है डायरेक्टली ले जाइए आप प्रॉफिट मोटिव पे और STD को आप ले जाइए जो कि ड्रामेटिकली अपोज करता है प्रोडिक्शन को यानी आप उसको ले जाइए रिवॉर्ड पे तो आपको सादा सा समझ में आ जाएगा जिसने बेरिंग कैपेसिटी नहीं की उसका फर्क डिफरेंट है और जिसने रिजल्ट है जो नेगेटिव फॉरवर्ड में आएगा उसके रिवॉर्ड की क्रिएटिविटी नहीं आएगी आगे समझने की कोशिश कीजिए रिवॉर्ड्स का सीधा, सीधा सीधा सिस्टम होता है हम यहां से थोड़ा सा बिजनेस समझ लेते हैं और एक गर्दान के तौर पर आप इस चीज को याद कर लीजिए और इसको हम कंक्लूसिव मॉडल के ऊपर अब आ, समझ में आ जाएगा कि हम चाहते क्या प्रॉफिट मोटिव रिवॉर्ड मोटिव इनके अंदर लेकिन सिमिलैरिटीज तो हैं लेकिन कॉमनैलिटीज नहीं है सिमिलैरिटीज और कॉमोनैलिटीज में भी फर्क है हाई फिक्स कॉस्ट वाले लोग जो विद वेरी मार्जिनल कॉस्ट पे काम करते हैं लार्ज नेट इफेक्ट विद प्रोडक्ट सर्विस वैल्यू इंक्रीज विद इन द नंबर ऑफ यूजर हाई स्विचिंग कॉस्ट विच हेल्प टू लॉक इन द कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव एस्पेक्ट विच है तो वह चाहेगा कि ह्यूमन बेनिफिट कितने इसके अंदर आइडियोलॉजिकल बेनिफिट कितने सोशोलॉजिकल डिफरेंस कितने और ओवरऑल आपका सॉफ्ट इमेज ऑफ द नेशन भी आपका सब्जेक्ट हो जाता है वेयर आर द बिजनेस मोटिव के लोगों को नेशनल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता तो यहां तक जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल अगर आपने मुझे आप पूछेंगे तो इक्वेशंस पे जाएं तो हाई फैक्स कॉस्ट विद लो मार्जिनल कॉस्ट आपका बिजनेस मुकम्मल हो जाता है सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द रिवॉर्ड एंड डिफरेंस बिटवीन द रिवॉर्ड एंड द प्रॉफिट मोटिव सिस्टम और क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी आप काफी हद तक समझ चुके होंगे थैंक यू वेरी मच